क्रमबद्ध त्रुटि और इसको बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। देखिए इस सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम को एक नाम और से जानते हैं अचानक से गलतियां होना। देखिए सिस्टमैटिक के तीन पार्ट्स होते हैं निम्नलिखित, ह्यूमन एरर होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, एनवायरमेंटल एरर होता है, और रैंडम एरर एक अलग सा एरर है। तो आइए समझते हैं कि जो टाइप्स ऑफ एरर में सिस्टमैटिक एरर है, इसमें पहला होता है ह्यूमन एरर। तो नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन, ह्यूमन मीन्स मानव, तो ऐसी एरर जो ह्यूमन के द्वारा हो उसे हम ह्यूमन एरर कहेंगे। जैसे मान लेता हूँ कोई ऐसा व्यक्ति को हमने बोला कि एक काम करो इसका वजन तौलो आप, तो वो अनजान आदमी है, उसको जानता नहीं कि कैसे मेजरमेंट करना है। अब उसको हमने दे दिया, वो गलतियां कर रहा है, बार बार गलतियां कर रहा है, तो उस व्यक्ति के कारण जो गलतियां आएंगी उन्हें हम कहेंगे ह्यूमन एरर। तो ऐसी गलतियां जो इंसान करते हैं उन्हें हम ह्यूमन एरर कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, देखिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है यंत्र। जैसे मान लेता हूँ हमने कोई यंत्र खरीदा, वो मापने का काम करता है, उसमें पहले से ही फॉल्ट है, वो पहले से डैमेज है, उसमें प्रॉब्लम पहले से ही प्रेजेंट है, तो हम चाहे कितना भी अच्छा व्यक्ति मेजरमेंट करे गलतियां आना एकदम लाजमी है, मीन्स परफेक्टली गलतियां होना ही होना। तो ऐसे एरर जो इंस्ट्रूमेंट के कारण पॉसिबल होते हैं उन्हें हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। तो देखो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, इसको यदि इंस्ट्रूमेंटल एरर को हमें एकदम क्लैरिफाई करना है तो हमें इंस्ट्रूमेंट का जो यंत्र है उसको अच्छे से रिपेयर कराना पड़ेगा, या फिर कहीं से फॉल्ट है तो उसको शुद्धिकरण करा के हम इस एरर को शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसी तरह ह्यूमन एरर, जैसे आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन एरर कैसे सुधारा जा सकता है, तो सबसे अच्छा उदाहरण आपके लिए होगा कि इंसान को ही बदल दिया जाए। जो व्यक्ति मेजरमेंट कर रहा हो सकता है उसे नॉलेज ना हो इसलिए गलतियां आ रही हो, तो उस मैन को आप ह्यूमन को पर्सन को चेंज कर देंगे तो वो मिस्टेक दूर हो जाएगी। यदि इंस्ट्रूमेंटल एरर है तो इसमें एक दिमाग देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही फॉल्ट है, प्रॉब्लम है, किसी डिवाइस में प्रॉब्लम है, तो डिवाइस को हम रिपेयर कर लेंगे तो इंस्ट्रूमेंटल एरर भी ठीक हो जाएगी। एंड लास्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंटल एरर, पर्यावरण एरर क्या है, आइए समझते हैं। जैसे मान लेता हूँ कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी यंत्र से मेजरमेंट करते हैं और उसमें आधी तूफान आ जाते हैं, पानी से भीग जाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं एनवायरमेंटल एरर। तो ऐसे एरर जो पर्यावरण या वातावरण के कारण घटित होती हैं उन्हें हम कहेंगे एनवायरमेंटल एरर। तो हमने देखा कि सिस्टमैटिक एरर तीन प्रकार, ह्यूमन एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड एनवायरमेंटल एरर। एंड लास्ट हम बात करते हैं कि रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम मीन्स होता है अचानक से। तो ऐसी त्रुटियां जो अचानक से घटित हो जाती हैं उन्हें हम रैंडम एरर कहते हैं। तो रैंडम एरर के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझाएंगे आपको कि रैंडम एरर होता क्या। जैसे मान लेता हूँ कि कोई एक वस्तु थी वो 10 किलोग्राम की थी, हमने उसका मेजरमेंट किया तो पता लगा कि 900 ग्राम मेजरमेंट में आया, फिर उसके बाद हमने दोबारा मेजरमेंट किया तो वो 10 किलो 5 ग्राम बता रहा है, फिर हमने तिबारा जब थर्ड टाइम उसका मेजरमेंट किया तो 10 किलो 500 ग्राम बता रहा है। तो ये हो रहा है कि अचानक से मान बदल जा रहा है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, तो ऐसे एरर को हम कहेंगे रैंडम एरर। ऐसे एरर जिनका मान अचानक से रैंडमली अचानक से बदल जाता है उन्हें हम कहते हैं रैंडम एरर। तो ये टाइप्स ऑफ एरर के बारे में आज हम इतना ही बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एरर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टमैटिक एंड रैंडम, और सिस्टमैटिक के तीन प्रकार, ठीक, तो ह्यूमन, इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल, और रैंडम का कोई पार्ट नहीं है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।